कल मोदी जी ने विदेश में रहने वाले भाजपा के समर्थकों को जो संबोधन किया था, जिसमें भारत के ग्रोथ रेट की बात कही गई थी, उस पर आज श्री चिदंबरम का एक स्टेटमेंट आया है और उसमें एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, फेक इनकाउंटर विथ फैक्ट्स। पता नहीं देश के वित्त मंत्री को इन शब्दों का प्रयोग कितना शोभा देता है। इसके उत्तर में मेरा आज एक लिखित वक्तव्य है, अंग्रेजी में उसकी कॉपी आपको मिलेगी और जल्दी ही उसका हिंदी अनुवाद भी हम अपने वेबसाइट पर लोड कर देंगे। और उसका मैंने शीर्षक दिया है, मिस्टर चिदंबरम, यू आर बीइंग इकोनॉमिकल विद ट्रुथ एंड योर स्टेटमेंट इज ए कॉपी बुक केस ऑफ फेक इनकाउंटर विद फैक्ट्स। आपको मालूम है कि एनडीए की सरकार 1998 में आई थी, 96 बस 13 दिनों की सरकार थी, इसलिए उसकी चर्चा करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उस समय देश के विकास दर 4.78% थी और जब हम 22 मई 2004 को सत्ता से बाहर हुए तो देश की ग्रोथ रेट 8.5% थी। मोदी जी ने 8.4% कहा है, वाजपेयी जी की ग्रोथ रेट वो 1% कमी है। और ये ग्रोथ रेट हम अचीव कर सके जबकि देश में आपको मालूम है कि पोखरण के बम विस्फोट के बाद, अणुबम विस्फोट के बाद दुनिया की सारी ताकतों ने हम पर सैंक्शन लगाया था, देश में कारगिल युद्ध हुआ था, ईस्ट एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी बहुत बड़ी 1999-2000 में, गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था, 2001-2002 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इन तमाम अवरोधों के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने जब सत्ता छोड़ी तो देश की विकास दर 8.5% थी। द रीजन इज टू वाई द एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय श्री वाजपेयी कुड गिव दिस स्ट्रांग लीगेसी वॉज बिकॉज ऑफ इंस्पायरिंग लीडरशिप, साउंड पॉलिसी इनिशिएटिव एंड ऑल्सो गुड गवर्नेंस। देयरफॉर द इन्वेस्टर्स, द एंटरप्रेन्योर्स ऑल ट्रस्टेड द एनडीए रिजीम एंड इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ एक्सट्रीम एडवर्सिटी सच आउटस्टैंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ कुड बी अचीव्ड। और आज जो चिदंबरम साहब बोल रहे हैं, पहले वे ऐसे नहीं बोलते थे। आपके सामने मैं 2004-05 का इकोनॉमिक सर्वे रखने जा रहा हूं। आपको मालूम है इकोनॉमिक सर्वे 28 फरवरी को बजट रखा जाता है, उसके एक दिन पहले 27 फरवरी को इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं। 2004-05 के इकोनॉमिक सर्वे का मतलब है 27 फरवरी 2005 को इसे पार्लियामेंट के ऊपर रखा गया था। इसकी रेलेवेंट कॉपी हम आपको देंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक डिवीजन। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं इसके 5-6 लाइन को पढ़ता हूं जिसको मैंने अपने रिटन स्टेटमेंट में भी कोट किया है। Buoyed by a rebound in the agriculture and allied sector and strongly helped by improved performance in industry and services, the economy had registered a growth rate of 8.5% in 2003-04, the highest ever except in 75-76 and 88-89. Normally, strong growth is expected after anemic growth and vice versa. Following the bumper growth in 2003-04, initial growth projections
for 2004-05 was placed in the range of 6.2% to 7.4%. Therefore, Mr. Chidambaram, when he was the finance minister, in the economic survey laid before the parliament, is conceding two vital points. The growth rate of the NDA in 3-4 was the highest ever in India, except 2 years, 75-76 and 88-89. And second, this bumper growth was giving him the strong foundations to take the country's economy further. Chidambaram sahab, मैं आपसे आज एक सवाल करता हूं कि आप इसमें सही बोल रहे हैं या आज के स्टेटमेंट में सही बोल रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी ने यह बात कही कि 8.4% ग्रोथ रेट हुआ, तो 8.5% आप कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? दूसरा सवाल जो इससे उठता है वो और भी गंभीर सवाल है कि चिदंबरम साहब, आप ये बताइए, और मनमोहन सिंह जी, आप देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वेल नोन इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, दो व्हाट हैपेंड टू इंडियाज इकोनॉमी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, बट द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मिस्टर चिदंबरम, कम ऑन, बी ऑनेस्ट एंड टेल द कंट्री, हाउ इज इट एंड व्हाई इज इट the strong bumper growth of 8.5% left by the NDA led by Shri Bajpayee has been reduced to 4.8 this year? ये है गंभीर सवाल। इस सवाल का आप जवाब दीजिए। मतलब देश की ग्रोथ रेट जितनी थी जब NDA सरकार में आई 98 में, आपने उसी ग्रोथ रेट पर देश को वापस लाया है। आज हम चिदंबरम साहब से एक सवाल और करेंगे, कृपया बताइए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर -5 में डाउन क्यों है, रुपया क्यों गिर रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्रोथ जो है जिसमें कोई वैचारिक विवाद नहीं है, यू ऑल नो द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इडियोलॉजी न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ FDI, इन टर्म्स ऑफ अदर एरियाज, all the shining areas of growth of the NDA government, national highway program is in a mess, national highway authority mein sirf CBI raid kar rahi hai, contractors bhag rahe hain, litigation ho raha hai, power sector is in a mess because of Colgate, jo NDA ne 2003 mein electricity act ko amend kiya, generation became delicensed, aap wo jante hain, hum charcha us par kar chuke hain, पूरे टेलीकॉम एरिया जो बिग एरिया ऑफ ग्रोथ था जिसको इंडिया ने बहुत आगे बढ़ाया, दैट हैज कम टू ए वेरी सैड स्टेट, यू ऑल नो इट, बिकॉज ऑफ 2G एंड ए होल रेंज ऑफ अदर करप्शन विच हैपेंड इन द एलोकेशन ऑफ लाइसेंसेस, एंड द PM एंड द फाइनेंस मिनिस्टर मेंटेन ए स्टोइक साइलेंस। जो रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ का एरिया का होता है, एम्प्लॉयमेंट, सीमेंट, स्टील, आज पूरा रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत ही क्लाउड के अंतर्गत है, बिकॉज जिस तरह से परमिशन में अब्यूज हुआ है, जिस तरह से एक सन इन लॉ को इतना फेवर किया गया है, और जो बाकी सारे लैंड यूज चेंज में करप्शन हुआ है, दिस एरिया हैज कम टू ए नॉट। चिदंबरम साहब ये नहीं समझते कि गुड इकोनॉमी must have good politics, and the only link between good economy and good politics is good governance. Under the NDA led by the inspiring Shri Bajpayee, there was good governance, and good governance has become a big casualty, stinking corruption, policy paralysis, and a whole lot range of other things jiski charcha hum hamesha karte rehte hain. एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो गरीबों के लिए होता है, 6 करोड़ नौकरी हमने दी थी, आजकल नौकरी का क्या हाल है बताने की जरूरत नहीं है। मैं प्लानिंग कमीशन का डेटा पढ़ रहा था तो लगभग 50 लाख जॉब तो सिर्फ गिरे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बाकी गिरे हैं, तो रोजगार की स्थिति भी बहुत गड़बड़ है।
चिदंबरम साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्या आज हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं? इफ इंडियंस आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, हाउ वुड फॉरनर्स इन्वेस्ट इन इंडिया एंड व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया? बिकॉज देर इज क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, बिकॉज देर इज लैक ऑफ ट्रस्ट. Why? Because there is stinking corruption in government functioning and decision making. ये कारण है जिसके कारण आज देश की ये स्थिति है. इसीलिए चिदंबरम साहब ने लॉ ऑफ एवरेज निकाला है. उनका स्टेटमेंट देख रहा था, एवरेज ग्रोथ रेट पर जा रहे हैं, जबकि एनडीए ने 4.8 से 8.5 किया और इन्होंने 8.5 के स्ट्रांग फाउंडेशन को 4.8 या 4.9 पर ले गए हैं. देयरफॉर दे आर हाइडिंग इन द लॉ ऑफ एवरेज टू शील्ड देयर ओन नॉन परफॉर्मेंस. इसको देखकर मुझे एक उदाहरण याद आता है मित्रों, कि जब पार्टियां चुनाव में कस के हारती हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है तो उत्तर आता है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया है थोड़ा. चिदंबरम साहब का जो परफॉर्मेंस है उनकी सरकार का, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज नाउ ओवर अंडर सीरियस क्लाउड, तो नरेंद्र मोदी ने फैक्ट कहा था, फैक्ट का इनकाउंटर नहीं किया था. चिदंबरम साहब ने फैक्ट का इनकाउंटर किया है और हम आज उनसे जानना चाहेंगे. मेरा सीधा सवाल है, मिस्टर चिदंबरम, डिड यू स्पीक ए लाई वेन यू इंक्लूडेड इट इन द इकोनॉमिक सर्वे which was laid on the floor of the parliament? ये गंभीर सवाल है मित्रों. इसलिए मैं श्री चिदंबरम के इस वक्तव्य की भर्त्सना करता हूं और जिन शब्दों का चयन उन्होंने किया है वो बहुत ही निंदनीय है. It does not behove the finance minister of India to employ these kind of despicable expressions which are condemnable apart from being factually incorrect and being economical with truth.